नान यूजुअली मैदे से बनाते हैं, बट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होल व्हीट फ्लावर से बनने वाले बिल्कुल सॉफ्ट नान की रेसिपी। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमने ना ही ओवन का यूज़ किया है ना ही तंदूर का। इसे हम बनाएंगे स्टोव टॉप पे। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। साथ ही डालेंगे 1/2 कप मैदा। यहाँ पे मैदा डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो होल व्हीट फ्लावर से ही बना सकते हैं, बट थोड़ा सा मैदा ऐड करने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम छन्नी से छान लेंगे। अब इसमें क्रिस्पीनेस के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूजी, साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब पहले सारे इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, साथ ही डालेंगे 1/4 कप योगर्ट। ध्यान रहे योगर्ट हमारा रूम टेम्परेचर पे हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। मैं पहले डालना भूल गई थी इसीलिए अब डाल रही हूँ। आप जब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर रहे हो ना, तभी इसमें नमक भी मिला दें। मैं अब नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें थोड़ा थोड़ा लुकवार्म वाटर मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। बट ध्यान रहे हमें यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करना है, अगर ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो नान सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और आटे पे इस तरीके से लगा देंगे और इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने छोड़ देंगे। आटे को साइड में रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे फिर से एक बार मसल लेते हैं और आटे को मसलते वक्त आपको लगे कि ये हाथ में बहुत ही चिपक रहा है, तो आप इस पे इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं नान को बेलने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने आटे का एक गोला ले लिया है, इसे हम डिप करेंगे सूखे आटे में और इसे हम राउंड शेप में बेल लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसे और कोई शेप में भी बेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे राउंड शेप में बेल लिया है। अब इस पे मैं थोड़े से कटे हुए धनिया लगा दूंगी। आप यहाँ पे आपके पसंद के और कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कलौंजी लगा सकते हो या फिर चॉप्ड गार्लिक लगा सकते हो। अब हल्के हाथों से बेलन से रोल कर देंगे जिससे धनिया नान के साथ चिपक जाए। अब हम करेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस, इसे हम पलट देंगे पहले, फिर इस पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। ध्यान रहे हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी लगाना है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे पानी नहीं लगाएंगे तो नान गरम तवे पे चिपकेगा ही नहीं और उंगली से ऐसे कहीं कहीं प्रेस कर देंगे। इससे कुक करते समय नान ज़्यादा फूलेगा नहीं। अगर नान ज़्यादा फूल जाता है ना, तो वो अच्छे से कुक नहीं हो पाता है। आइए अब इसे कुक करते हैं। तवे को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। इस पर हम नान डाल देंगे, तो जिस साइड हमने पानी लगाया था वो साइड हमें नीचे रखना है। नान बनाने के लिए हमें नॉनस्टिक तवा नहीं चाहिए, बाकी कोई भी तवा चल जाएगा। अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज करेंगे तो एक तो वो खराब हो जाएगा और दूसरा नान उस पे अच्छे से चिपकेगा नहीं। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आ गए हैं। ऐसे बबल्स आने के बाद हम अराउंड 15 सेकेंड तक वेट करेंगे। उसके बाद तवे को इस तरीके से फ्लिप करके हम घुमा घुमा के नान को कुक करेंगे। ये देखिए तवे को ऐसे रोटेट करते रहना है जिससे नान सब साइड से अच्छे से सेक पाए। ये देखिए यहाँ पे सेकते समय हमारी नान गिर नहीं रही, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे से पानी लगाया था और तवा भी अच्छा खासा गर्म था। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं जब नान सेकते हैं तब वो गिर जाती है, तो तवा अच्छे से गर्म कीजिए और अच्छे से पानी लगाइए तो नान सेकते समय गिरेगी नहीं। आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए। यहाँ पे हमारा नान सब साइड से अच्छे से कुक हो गया है, तो हम इसे तवे से निकाल लेंगे और इस पे कितने अच्छे से बबल्स आए, तो यही पहचान होती है सॉफ्ट नान की। ये देखिए यहाँ पे ये पीछे से भी कितना अच्छे से कुक हुआ है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इस पे बटर लगा देंगे। तो है ना एकदम इजी रेसिपी।
तो रेडी है हमारे एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार नान? एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक में बताइए आपको कैसा लगा। और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।